हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अवध ग्लो ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आने वाले सभी फंक्शंस और उनके सभी कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कैसे करें। तो दोस्तों, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, या तो हम अपने विंडोज़ के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लें एमएस वर्ड। तो दोस्तों, इससे भी आसान तरीका हम आपको बताते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है कि हम रन की द्वारा इसे सर्च करें। रन की का शॉर्टकट होता है Windows+R। Windows+R प्रेस करने पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे विन वर्ड, जैसा कि हमारा ऑलरेडी सर्च किया हो। इसके बाद यहाँ पे सर्च करने के बाद आप इसे इंटर करेंगे तो आपका एमएस वर्ड आपके सामने ओपन। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने वाला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसका यूज़ अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे पेपर, रिपोर्ट, बायोडाटा, लेटर, रिज्यूम आदि बनाने में किया जाता है। एमएस वर्ड में सिंपल टेक्स्ट से लेकर चार्ट, टेबल, पिक्चर, डायग्राम या फिर वर्ड आर्ट पर भी कार्य किया जा सकता है। एमएस वर्ड का इंस्ट्रक्शन नेम .docx होता है। इसमें बनने वाले फाइल का नाम डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट नेम। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अपने एमएस वर्ड के सभी फंक्शन और उसके कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, एमएस वर्ड में सबसे पहला जो हमारा आता है कमांड, वो है टाइटल बार। चलिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार से हमको पता चलता है कि हम किस प्रोग्राम अथवा किस फाइल पर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से दोस्तों हमको हमारे सभी शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जिससे हमको एमएस वर्ड के अंदर काम करने में बहुत ही आसानी होता है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर अंतर्गत आने वाला हमारा सबसे पहला कमांड न्यू होता है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+N है। इस कमांड के द्वारा हम अपने एमएस वर्ड के अंदर ब्लैंक या फिर न्यू फाइल को ओपन करते हैं। इसके नीचे आता है हमारा ओपन, जिसका शॉर्टकट Ctrl+O होता है। इस कमांड के द्वारा हम सेव किए गए हुए फाइल को ओपन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे एमएस वर्ड के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया है। इसके बाद आता है सेव, इसका शॉर्टकट Ctrl+S होता है। इस कमांड के द्वारा हम जो कि हम करंट फाइल पर काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद आता है सेव एज। सेव एज का यूज हम किसी भी फाइल को कई जगह पे और कई नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट, इसका शॉर्टकट Ctrl+P होता है। इससे हम अपने फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेयर। शेयर से हम किसी के पास शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट, इसका शॉर्टकट Ctrl+E होता है। इसके द्वारा हम अपने फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लोज, इसका शॉर्टकट Alt+F4 होता है। इसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रैंडम मैटर लिखने के लिए एक ट्रिक होता है, एक फार्मूला होता है। चलिए मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद लिखना है RAND, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने कुछ रैंडम मैटर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने होम टैब पर। अब हम सीखेंगे होम टैब के अंदर आने वाले सभी कमांड और उनके कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, होम टैब के अंदर सबसे पहला आने वाला कमांड हमारा कट है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+X होता है। इसके द्वारा हम किसी भी सिलेक्ट किए गए मैटर को कट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉपी, इसका शॉर्टकट Ctrl+C होता है। इसके द्वारा हम सिलेक्ट मैटर को कॉपी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेस्ट, इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर को कट या कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा फॉन्ट, इसे हम फॉन्ट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+F होता है।
इसमें हमारे कई सारे फॉन्ट दिए रहते हैं। इसके बगल में आता है फॉन्ट साइज, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होता है। इसके बाद आता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है। इसके द्वारा हम सेलेक्ट किए गए मैटर के साइज को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद आता है डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है। इसके द्वारा हम सेलेक्ट किए गए मैटर को छोटा करते हैं। इसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस में हमारे 5 तरह के केस दिए रहते हैं, जिसमें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगलिक केस। इसके बाद आता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इसके बाद बोल्ड, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी होता है। इसके द्वारा हम सिलेक्ट मैटर को बोल्ड करते हैं। इसके बाद आता है इटैलिक, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई होता है। इसके द्वारा हम सिलेक्ट किए गए मैटर को इटैलिक मतलब टेढ़ा करते हैं। इसके बाद आता है अंडरलाइन, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू होता है। इसके द्वारा हम सिलेक्ट मैटर के नीचे लाइन लगाते हैं, जिसे हम अंडरलाइन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रिक थ्रू। स्ट्रिक थ्रू के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए मैटर के बीच में लाइन लगाते हैं। यह हमारा सबस्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। इसका यूज हम फार्मूला बनाने में करते हैं। इसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस होता है। इसका यूज हम मैथ के फार्मूला बनाने में करते हैं, जो कि पावर के रूप में आपको दिखाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट, इसके द्वारा हम सिलेक्ट मैटर में टेक्स्ट को इफेक्ट लगाते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर के टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फॉन्ट कलर, इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर के फॉन्ट को कलर करते हैं। इसके बाद आता है हमारा बुलेट्स, इसके द्वारा हम सिलेक्ट मैटर में कई तरह के बुलेट लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबरिंग, इसके द्वारा हम सिलेक्ट मैटर में नंबरिंग दे सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर में मल्टी लेवल लिस्ट को लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिक्रीज इंडेंट, इस कमांड के द्वारा हम अपने मैटर को लेफ्ट साइड खिसकाते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंक्रीज इंडेंट, इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए मैटर या फिर पैराग्राफ को राइट साइड को खिसकाते हैं। इसके बाद आता है हमारा अलाइन लेफ्ट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एल होता है। इसके बाद आता है हमारा सेंटर, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई होता है। इसके बाद आता है हमारा अलाइन राइट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर होता है। इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर को राइट में करते हैं। इसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जे होता है। इसके बाद आता है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए पैराग्राफ या फिर मैटर में लाइन स्पेसिंग को सेट करते हैं। दिए गए फॉन्ट स्टाइल हैं, जिससे हम सिलेक्ट करके अपने मैटर या फिर पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फाइंड, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ होता है। इसके द्वारा हम अपने पैराग्राफ में किसी भी वर्ड को फाइंड करते हैं। इसके बाद आता है रिप्लेस, इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच होता है। इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट मैटर में अपने किसी भी वर्ड को उसके स्थान पर दूसरा वर्ड रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।